ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर हुड्डा साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक तंवर जी, भूतपूर्व मंत्री इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से रही एमपी, वर्किंग कमेटी की मेंबर श्री कुमारी शैलजा जी, सीएलपी की लीडर किरण चौधरी जी, एआईसीसी के हमारे दूसरे इंचार्ज मीडिया और जनशक्ति सूर्यवाला जी और सभी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स और विधायकगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, मुझे आज खुशी है कि इस परिवर्तन यात्रा में राहुल गांधी जी भी शामिल हुए। ये यात्रा जिसका आज चौथा दिन है, गुड़गांव से शुरू हुई थी और वापस वहीं उसी के पास वाले डिस्ट्रिक्ट में खत्म हो जाएगी छह दिन के बाद। इस पूरी यात्रा में हम सभी 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे और सभी 10 की 10 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसियां कवर करेंगे और 90 विधानसभाओं में से 60 और 70 के बीच में हम विधानसभाएं भी इन छह दिनों में कवर करेंगे। ये बहुत बड़ा काम है। मैं बधाई देना चाहता हूं हरियाणा की जनता को। जब हमने ये यात्रा शुरू की थी, हमें लगता था कि दिन में ही खत्म हो जाएगी, लेकिन रास्ते में जो ही हम चलते हैं, चाहे शहरों के बीच में, देहात के बीच में, गांव के बीच में, ढानियों के बीच में, तो जो यात्रा परिवर्तन यात्रा सुबह 9 बजे शुरू होती है, वो रात के 12 बजे, सुबह के 1 बजे, 1:30 बजे खत्म हो जाती है। इतना उत्साह, रात को 1:30 बजे के बाद भी दो जगहें हमें छोड़नी पड़ी क्योंकि सुबह हो गई थी। इतना उत्साह लोगों के अंदर परिवर्तन लाने का है और ये परिवर्तन लोग चाहते हैं, केंद्रीय सरकार में परिवर्तन आए और राज्य सरकार में परिवर्तन आए। इस परिवर्तन यात्रा में आज का दिन 3 डिस्ट्रिक्टों और 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में राहुल गांधी जी हमारे साथ रहेंगे, उनका मैं आभार प्रकट करता हूं और उनके आने से आने वाले जो 2 दिन हमारी यात्रा के हैं उसमें और जोश लोगों का उभर के आएगा और मुझे पूरा विश्वास है हरियाणा की जनता में कि वो पार्लियामेंट में 10 की 10 सीटें कांग्रेस को देंगी और उसके बाद जब विधानसभा आएगी तो दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार स्थापित करेंगे। क्योंकि सब लोग आप राहुल गांधी जी को सुनने आए हैं, इसलिए मैं अपना लंबा भाषण न करते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जो आने वाले कार्यक्रम हैं उन लोगों से भी अपील करूंगा कि जिस तरह से पिछले कार्यक्रमों में आपने उत्साह दिखाएं, अगले कार्यक्रमों में भी उतना ही उत्साह दिखाएं। जय हिंद।